तो ये आज का वीडियो है जो छोटा फोरक्लिफ्ट 3 टन का भी कंट्रोल वाल लीक है। तो अभी हम दिखाने जा रहे हैं कि कंट्रोल वाल कैसे खोलते हैं और इसका सील कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अच्छा से सफाई कर लेना है, ठीक है। अभी ये लीवर का पिन निकाल लेना चाहिए। ये देखिए, अभी ये इसका चिरा पिन निकाल दिया है। उसके बाद ये पिन निकालेंगे, ठीक है। तो लीवर का पिन निकाल रहे हैं। अभी लीवर का पिन निकल गया। ऐसा सेम प्रोसेस है इसका भी, दूसरा भी लीवर का, जो पिन निकालने का सेम तरीका है। तो ये अपना लीवर का पाइप है। तो पाइप के बारे में भी थोड़ा बताना है। जो ये अपना मेन पाइप हो गया इंटरनल, ये बड़ा हो गया रिटेनिंग जो टैंकी में जाता है। और ये जो है अपना लिफ्ट सिलेंडर का है जो लेफ्ट और राइट करता है, उसका वो पाइप हो गया। तो ये अपना सारा पाइप खुल चुका है। और ये बॉडी का जो बोल्ट होता है अपना 14 नंबर पाना लगता है, गोटी लगता है। ये खोलेंगे तो ये कंट्रोल वाल बाहर निकल। तो ये अपना कंट्रोल वाल खुल चुके हैं। ये रहा देखिए अपना सील, ये सब सील ख़राब हो चुका है। देखा ये वो सील, ये रहा सील, ठीक है। चलिए अभी इसमें सील डाल दिए हैं। और सील डालने टाइम में ध्यान रखना है, इसका छोटा बड़ा सील होता है और कौन सा सील कहाँ आता है ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका पल्ला जो है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पल्ला आता है। डाल रहे हैं देखिए, ठीक है। और ये वायर का भी ख्याल रखना है, कहीं नीचे ना आ जाए। तो ये सेम प्रोसेस है जो पल्ला का सील डालने के लिए, सेम प्रोसेस है। जैसे उसको डाला गया नीचे वाला, इसे इस तरह इसका बीच वाला भी, ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला भी सेम प्रोसेस है। तो इसी तरह से आपको पल्ला का सील बैठाना है। और इसका सील जो है छोटा बड़ा आता है, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा इधर आएगा, उसके बाद ये दूसरा नंबर का सील, ये और ये दोनों सेम होता है। और ये इसका छोटा होता है, ये 3 पीस छोटा आता है। तो सेम प्रोसेस करके डालना है। अभी हमारा कंप्लीट असेंबली बन गया है। ये फाइनल ये 2 बोल्ट है, 2 बोल्ट को टाइट करना है, बराबर कर जाना, ठीक है। ये देखिए आप, पूरा फाइनल हो चुका है। कभी इसको डालेंगे गाड़ी में, फिर चेक करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। अभी हम इस तरफ का स्प्रिंग खोल रहे हैं, सोलनॉइड स्विच, ठीक है। हम निकाले हैं, ठीक है। ये सील चेंज करेंगे। ये सील हम निकाले हैं, ये इसका सील डालेंगे। तो ये सील डाल चुके हैं। इसको जो ध्यान में रखना है, इसका जो सेंटर का होल होता है, ये होल मिला के डालना है ना। आई वाह, हम ये इसको दोबारा खोले हैं क्योंकि ये स्प्रिंग डालने के लिए भूल गए थे, ठीक है। अब स्प्रिंग डाल चुके हैं। तो अभी हम इस तरफ का भी जितना भी सोलनॉइड स्विच है, स्पूंज हो गया, ये सब का सील हम डाल चुके हैं, ठीक है। ये जो अपना ये सोलनॉइड खोलने टाइम में इसको एहतियात से खोलना चाहिए, ताकि इसके अंदर में जो वाल वगैरह रहता है वो गिरना नहीं चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए ध्यान से खोलना चाहिए इसको। अब इस तरफ का मुकम्मल हो गया है, उस तरफ का भी चेंज करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आ गए हैं इस तरफ, देखिए। अभी आप इस तरफ का काम चालू करेंगे।
तो अभी इस फोन का सील डाल चुके हैं, अभी ये बोल्ट टाइट कर रहे हैं, अभी ये बोल्ट टाइट करके फिर बाकी का जो है आगे का सील डालेंगे। तो अभी लगभग हमारा काम भी खलास हो गया है। अभी ये बस इस फोन का जो लीवर का लीवर और पिन इसका लगाना बाकी है। ठीक है, पाइप का कनेक्शन सब हो गया है, देख सकते हैं।